The truth is one. The wise perceive it in many ways. Cosmic reality is one. Every perception of reality is wise. All perceptions of the one reality are wise. So why conflict at all? Ekam sai vibrahai bahuta vaganti ekam sai vibrahai bahuta vaganti नमस्ते। एकम विश्व शांति उत्सव के पांचवें दिन में आपका स्वागत है। आज का दिन विश्व चैतन्य में महिलाओं के प्रति शांति का परिपोषण करने के लिए समर्पित है। यह एक ऐसा दिन है जब हम सामूहिक रूप से मानवीय चैतन्य में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा और क्रूरता को भंग करने के लिए ध्यान करेंगे। कोरोना वायरस के बाद से क्या क्या हो रहा है, आइए हम इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। लाखों लोगों की नौकरी चली गई, हजारों लोगों की जान चली गई है और अरबों लोगों की योजना बिगड़ गई है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बढ़ गई है वह घरेलू हिंसा है। विश्व भर में पत्नी को मारने, मौखिक और शारीरिक शोषण में भारी वृद्धि हुई है। फिर से महिलाओं और बच्चों को ऐसा दुर्व्यवहार सहना पड़ रहा है। यह दुखद है कि पूरे इतिहास में महिलाएं किसी भी संकट में सबसे ज्यादा पीड़ित हुई हैं। सबसे पहले पूरी दुनिया में सामान्य रूप से महिलाओं को वस्तुनिष्ठ किया गया है, उन्हें बाकी सब चीजों से ऊपर सुंदरता की वस्तुओं के रूप में देखा जाता है, उनके बाकी पहलुओं को नजरअंदाज किया जाता है। दुनिया एक महिला की सुंदरता को मापने में लगी रहती है। और दुख की बात है कि पिछले 200 से 300 वर्षों में सुंदरता के लिए एक समान आदर्श है जो स्थापित हो गया है। गोरा, पतली, कोकेशियन नैन नक्श और विनम्र दुर्भाग्य से आदर्श बन गए हैं। विश्व के यूरोपीय विजय से पहले इतिहास के पन्नों को पलटकर देखिए, हर संस्कृति के सौंदर्य के अपने आदर्श थे और सौंदर्य के कई प्रकार थे। मातृ सौंदर्य, योद्धा जैसी सुंदरता, ऋषि जैसा सौंदर्य और शारीरिक आकर्षण। एक स्त्री यह सब है। जिस दिन हम एक बार फिर से इन सभी रूपों में महिला की सुंदरता को देख पाएंगे, एक जाति के रूप में मानवता परिपक्व हो जाएगी। एक पल के लिए रुकिए और पूछिए, आप महिलाओं को कैसे देखते हैं? क्या आप एक महिला की त्वचा से परे उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं? दूसरा, महिलाओं को उनके अपने परिवारों, कार्यस्थलों और समाजों में दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों में से 70% से अधिक महिलाएं हैं और महिलाओं को एक बड़ा हिस्सा एक दिन में $1 से कम पर जीता है? और अक्सर कितनी महिलाएं अपने बच्चों को अकेले पाल रही हैं? कभी कभी ये महिलाएं अकेले परिवार को चलाती हैं,
जबकि पुरुष शराब पीकर उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। विश्व की कई संस्कृतियों में यहाँ तक कि संपन्न महिलाओं को केवल गूंज माना जाता है, उनकी खुद की आवाज नहीं होती और वह अपने पिता, पति, भाई, बेटे या बॉस की बात की गूंज बन जाती हैं। सदियों की कंडीशनिंग के कारण महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है कि वह जीवन की गंभीर चुनौतियों के प्रति हीन और अक्षम है, उनकी आवाज छीन ली गई है। लेकिन इतिहास ने हमें बार बार दिखाया है कि अगर महिलाओं को सम्मान और नेतृत्व प्रदान किया जाता है तो वे राष्ट्रों, संगठनों और परिवारों को अविश्वसनीय महानता की ओर ले जाती हैं। दीवार पर लेखन स्पष्ट है, आने वाला समय महिला नेतृत्व को बढ़ावा देगा। अंतर्ज्ञान, परस्पर बंधन, पूरी गूंज प्रणाली का परिपोषण, यह नेतृत्व का भविष्य है और यही सदी दर सदी से महिलाओं ने माताओं और दादी के रूप में किया है। आइए हम ठहरते हुए अपने आप से पूछें कि क्या हम अपनी माताओं, सहयोगियों, बहनों, बेटियों और सहकर्मियों को दूसरे दर्जे का नागरिक मान रहे हैं? क्या हम उन्हें बराबर सम्मान दे रहे हैं? तीसरा, महिलाओं को हर अवसर पर पीड़ित करते हुए और क्रूरता के अधीन किया जाता है और ये अपराध विश्व के अधिकांश देशों में प्रचलित है। लाखों महिलाओं और लड़कियों का उल्लंघन किया जाता है और दुनिया से विकृत कर दिया जाता है। अपनी पहली सांस लेने से पहले ही बच्चियों को मार दिया जाता है। पृथ्वी पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम में मानवता मर चुकी है। हम हमारे मरे हुए क्रूर दिलों से असहाय लोगों को आहत करते हैं, चोट पहुंचाते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे किसी परिवार, समाज या राष्ट्र में शांति कैसे हो सकती है जब मानवता का आधा हिस्सा शांति, गरिमा और अस्तित्व के लिए रो रहा है? तो हम एक सुंदर वर्तमान कैसे बना सकते हैं? जब हम उनकी माताओं की आत्माओं को नष्ट करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां कैसे फल फूल सकती हैं? चलिए हम थोड़ा ठहर कर स्वयं से पूछें, क्या हम ऐसी निर्दयता का भाग हैं? जब एक बालिका अन्याय, पक्षपात या अमानवीयता के बिना बड़ी होती हैं, जब एक बालिका को सम्मान और प्रेम के साथ पाला जाता है, तब आप संपूर्ण स्त्री को विकसित होते देखते हैं। क्या अब हम शांति ध्यान में जाएं? कृपया आंखों को बंद कीजिए, दोनों हाथों को हृदय स्थान पर रखिए। चलिए आज हम आज के शांति ध्यान के संकल्प से जुड़ते हैं, जो है विश्व चैतन्य में महिलाओं के प्रति शांति का परिपोषण करना। हम संकल्प लेंगे कि हमारे परिवारों में घरेलू हिंसा समाप्त हो और वे शांतिपूर्ण होकर एक साथ रहें। हाथों को आराम दें,
ध्यान को अपनी बंद आंखों के समक्ष खाली स्थान पर लाइए। यदि आप एक महिला हैं जिसने भेदभाव के दर्द को अनुभव किया, या आप एक व्यक्ति हैं जो घरेलू हिंसा के शिकार हुए हैं, उस दर्द को महसूस कीजिए जो आपने जीवन में पाया। उन परिस्थितियों पर चिंतन कीजिए जब आप आपके जीवन में मौजूद महिलाओं के प्रति असंवेदनशील, हानिकारक या हिंसात्मक थे। क्या आपने महिलाओं के साथ गलत या अनादरपूर्ण व्यवहार किया है? महसूस कीजिए कि आपकी निर्दयता ने उन्हें कितना आहत किया होगा। उनके बारे में सोचिए और कहिए, मैंने आपको जो कष्ट दिया है उसके लिए कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। विश्व की उन सभी महिलाओं और उनके परिवारों के दर्द से जुड़िए जिन्होंने हिंसा और दुर्व्यवहार अनुभव किया है। आइए हम विश्व में इस भेदभाव के पीड़ितों, उनके परिवारों के हृदयों और हमारे हृदयों को हील करें। ब्रह्मांड की महान प्रज्ञा से प्रार्थना कीजिए कि वह आपके हृदय में सभी महिलाओं के प्रति सम्मान और परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति प्रेममय संबंध जागृत करें। अपनी शांति ऊर्जाओं को सभी महिलाएं और बच्चियों में प्रवाहित होते देखिए जो हर प्रकार के हिंसा और दुर्व्यवहार के शिकार हुई हैं। शांति ऊर्जाओं को विश्व में उन सब लोगों तक जाते हुए महसूस कीजिए जो अपने परिवारों से हिंसा और क्रूरता को अनुभव किए हैं। आशीर्वाद दीजिए कि उनके हृदय हील और शांतिपूर्ण हो।
अपनी शांति ऊर्जाओं को उन लोगों में बहते हुए महसूस कीजिए जो महिलाओं, छोटी बच्चियों और अपने परिवार के सदस्यों पर हिंसा करते हैं और उन्हें आहत करते हैं। आशीर्वाद दीजिए कि उनके भीतर जल रही विनाशकारी स्थितियों की अग्नि बुझ जाए और उनके हृदय शांतिपूर्ण हो। धीरे से आंखों को खोलिए और शांति ज्योति को देखिए। शांति ज्योति को देखते हुए आइए एक पवित्र शपथ लेते हैं। स्वयं से कहिए, मैं अपने आसपास महिलाओं की भावनाओं का सम्मान करूंगी, चाहे वे मेरी बेटी, पत्नी, परिवार के सदस्य या सहकर्मी हो। मैं अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का सम्मान करूंगी। अपने हृदय को शांति के प्रति जागृत होते हुए महसूस कीजिए। अपने प्रियजनों के हृदयों को शांति के प्रति जागृत होते हुए महसूस कीजिए। पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी में शांति को प्रवाहित होते हुए महसूस कीजिए। आप में से हर कोई जो आज के शांति ध्यान का एक भाग रहे हैं, हम आपको 15 अगस्त को विश्व शांति के लिए ध्यान के अंतिम दिन पर हमसे जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। उस विशेष दिन हम सामूहिक रूप से चैतन्य के असीम क्षेत्र में प्रवेश करते हुए विश्व चैतन्य को प्रभावित करेंगे। आइए हम मानव चैतन्य में शांति लाने के लिए प्रत्येक देश के लाखों लोगों के साथ हाथ मिलाते हुए 68 मिनट के लिए सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे एक साथ आएं। नमस्ते। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोविड तेजी से फैल रहा है, सैकड़ों लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। पिछले 5 महीनों के दौरान पूरी दुनिया में लोग भारी चुनौतियों, नुकसान और पीड़ा से गुजरे हैं। इस परीक्षा के माध्यम से हम जान पाए हैं कि हमारा दर्द एक है, हमारी खुशी एक है और हमारी शांति एक है। अगर हमें इस वायरस के खतरे को समाप्त करना है तो हमें अपने चैतन्य की सामूहिक शक्ति को एक साथ लाना होगा। हमारे दिलों में एक ही संकल्प होना है,
हम सभी ईश्वर से एक ही प्रार्थना में लीन होना है कि हमें एक विकसित चैतन्य के साथ इस वायरस और संकट से उभरना है। आइए अब हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में हृदय के पास रखिए। धीरे से आंखें बंद करते हुए प्रार्थना कीजिए। कि उन लोगों के शरीर में आशीर्वाद प्रवाहित हो जो वायरस से पीड़ित हैं और वे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस वायरस से हम जल्द मुक्त हों और एक विकसित प्रजाति के रूप में उभरें जो सभी जीवों की परवाह कर सकें। प्रार्थना कीजिए कि उन सभी को आशीर्वाद मिले जिन्होंने इस लड़ाई में अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके दिलों में घाव हील हों और उन्हें शांति मिले। सभी पर ईश्वर की कृपा हो। धीरे से अपनी हाथों को रिलैक्स कीजिए और अपनी आंखें खोलिए। नमस्ते। Of life surrounded